नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वो अपने वृषभ राशि के राशिफल में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मई के महीने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो हैं वृषभ राशि वाले। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं। ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरती हुई दिखाई देगी। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं या आपने अप्रैल के अंदर कोई लोन या फाइल किया, लोन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था, तो मुझे लगता है कि आपको लोन अब मिलता हुआ आसानी से मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी अगर आप लेन देन करना चाहते हैं उसके लिए भी ये महीना आपके लिए, मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते थे, चाहे वो प्लॉट है चाहे वो फ्लैट है, उसके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर आप टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदना चाहते थे तो उसके इस लिहाज से भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात इस महीने में ये रहेगी कि जो आप सोचेंगे वो आप कर पाएंगे, मतलब आपकी टाइम टेबल और आपकी शेड्यूलिंग बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। नौकरी वालों के लिए भी ये जो महीना रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा। पदोन्नति के योग मतलब प्रमोशन के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अपनी मनचाही ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। सफलता के योग अच्छे हैं नौकरी वालों के लिए, लेकिन जो ट्रांसफर की जहां तक बात मैं कहूं आपको, तो वो महीने के एंड तक जाके आपका फाइनलाइज होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा कहा जा सकता है। पिछले दिनों जो आपकी स्ट्रेस आपके ऊपर हावी रहा, वो स्ट्रेस आपको मुक्ति मिलती हुई यहाँ उससे दिख रही है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन लेकर आएगा, लेकिन घबराइए मत, परिवर्तन जो होंगे वो आपके लिए हितकारी होंगे। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनको रिजल्ट अब अच्छे मिलेंगे और फोकस इस समय बहुत अच्छा होगा। पिछले दिनों जो आपने मेहनत करी है उसके रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से भी महीना अच्छा रहेगा। लव रोमांस के लिए भी महीना अच्छा रहेगा। हालांकि वैवाहिक सुख जो है वो कहीं पर थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता के साथ जो आर्गुमेंट चल रहे थे वो समाप्त होंगे और उनके साथ संबंध अब आपके अच्छे होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर किसी को रही है तो उसका समाधान अब आपको बहुत जल्दी शीघ्र मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको पूरा ध्यान रखना है और इस पूरे महीने का आपको लाभ उठाना है। कुछ तारीखें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, जैसे कि 4, 5, 13, 14, 15, 22, 23 और 31 तारीख को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर आपको करनी होगी। तो इसी आशा के साथ कि आप अपने सभी योजनाओं में, अपने सारे प्लान्स में आप एग्जीक्यूशन 100% दें, मैं अभिषेक पटनागर आपसे विदा लेता हूँ। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सएप नंबर्स आ रहे हैं। पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर दीप्ति का है। दोनों में से किसी पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस आर पेड। 2 दिन से लेकर 3 दिन के बीच में हम समय लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं और मैं आपको बता देता हूं। किसी तरीके का कोई डेमो इत्यादि नहीं देते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, अपना आशीष हमें देते रहिए।